कर्नल अजय जी, यहीं से अगर रुख करें, अगर आप नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की तरफ, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, सोने चांदी समेत अन्य कम्युनिटीज़ में उठापटक भी देखने को मिल चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या सोने चांदी में जो ये उठापटक है, क्या ये आगे भी जारी रहेगी? और रशिया ने ये जो अपने सैनिक वापस भेजे हैं, क्या ये एक संकेत है कि ये जो विवाद है ये सुलझने वाला है? बहुत अहम सवाल पूछा अखिलेश जी आपने। रशिया और अमेरिका के बीच में जो ये विवाद है और ये यूक्रेन को लेके जो टेंशन मसला है, ये मुझे लगता है कि ये रशिया के जो ट्रुप्स हैं वो पीछे नहीं हटे हैं। रशिया के ट्रुप्स पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने एक वॉर एक्सरसाइज की थी, यानी युद्ध अभ्यास किया था। उस अभ्यास को लेके वो जो फौजें थी वो अभ्यास खत्म हो गया है। और वो अभ्यास खत्म होने के बाद, जैसे मान लो आप देखें कि इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यदि कोई खेल के मैदान के अंदर कोई मैच है, तो वो दोनों और वो टीम मैदान में है, और जब वो मैच खत्म हो जाता है तो टी टाइम है या ऑफ टाइम है, तो वो ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि रशियन ने अपने ट्रुप्स वापस खींच लिए हैं और इसका कुछ स्थायी समाधान आ गया है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन आने वाले कुछ चंद सप्ताहों में बढ़ने की संभावना है, विशेषकर अभी चाइना का रोल अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक चल रहे हैं, जो 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में होगा। मुझे लगता है कि 20 फरवरी के बाद चाइना खुल के मैदान में आएगा, और चाइना की एंट्री और चाइना का समर्थन जिस भी देश को होगा, वो एक नेक्स्ट रणनीति को तैयार करेगा। और जब तक 20 तारीख तक तो हमें शांत रहना ही पड़ेगा, और उसके बाद कुछ स्थिति बन सकती है। और मुझे नहीं लगता कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इतनी आसानी से यूक्रेन को अपने हाथ से जाने देंगे अमेरिका के खेमे के अंदर, क्योंकि वो जियोग्राफिकल कंडीशन उसके लिए बहुत अहम है, और यूक्रेन जो है यूएसएसआर का हिस्सा रहा है किसी जमाने में, तो वो कोई भी उसको अमेरिकन खेमे में नहीं जाने देने का वो कटिबंध है पुतिन। अब पुतिन को जो बहुत बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, वो जो पूरी रणनीति तैयार करता है वो बहुत मजबूती से तैयार करता है और उस पर अड़ा रहता है। सिर्फ और सिर्फ चाइना का अभी शांति रखना विंटर ओलंपिक के वजह से वो एक अहम रोल अदा कर रहा है, और जैसे ही चाइना ने अपना रोल अदा किया, ये विवाद अब निर्णायक स्थिति में पहुंच सकता है। यदि चाइना अमेरिका के साथ आ जाता है तो शांति तुरंत हो जाएगी, और यदि चाइना पुतिन के यानी रशिया के साथ जाएगा तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा। ये अग्रिम अनुमान विश्लेषण हमारा है, और मुझे लगता है कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर ये स्थिति अभी समाप्त नहीं हुई है, ये जारी है। और उसको देखते हुए ग्लोबल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी पूरी तरह से हावी रहने की संभावना है। आपको याद होगा कल हमने आपको गोल्ड और सिल्वर यानी बुलियन में खरीदने की सलाह नहीं दी थी, हमने कहा मैं यहाँ पे खरीदना नहीं चाहता, यहाँ कमजोरी हो सकती है। और क्योंकि हमारा जो शो 11:15 बजे तक चलता है, उस वक्त गोल्ड में लगभग 500-450 रुपए की तेजी थी, और सिल्वर भी तेजी पे था, और उसके बाद गोल्ड ने जो 500 रुपए से नीचे की गिरावट चालू की, यानी पहले 500 ऊपर फिर 500 नीचे, लगभग 1000 रुपए की प्रति सेकंड जो गिरावट थी, और चांदी के अंदर भी ऊपर इस तरह से 2000 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज हुई, जिसका अग्रिम अनुमान विश्लेषण हमने आपके पूरे लाइव शो में चलते बाजार में दिया था। उम्मीद है दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। तो यही मेरा कहना है कि अभी समस्या सुलझी नहीं है। ये अखिलेश जी कर्नल जी।